हाय माय ब्यूटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये गेट रेडी विद मी। यूजुअली आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा गेट रेडी विद मी नहीं है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती, यू नो, कैमरा के सामने रेडी होना बाहर जाने के लिए, और थोड़ा यू नो जल्दी जल्दी में तैयार होना होता है। तो बट क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक रीसेंट इवेंट अटेंड कर रही हूँ, तो क्यों ना आप लोगों के लिए गेट रेडी विद मी प्रिपेयर कर लूँ साथ ही साथ। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ पतंजलि एलोवेरा जेल से। इसे मैं प्राइमर की तरह यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं लैक में एब्सोल्यूट स्मूथ फिनिश कंसिस्टेंसी फाउंडेशन ले रही हूँ और इसे मैं अपने पूरे फेस पे डॉट कर रही हूँ और फिर अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है और इसे ब्लेंड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही कन्वीनियंट है। इसे आप अपनी फिंगर्स से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये मीडियम टू फुल कवरेज देता है और मैं इसे डबल अप कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन की कवरेज को बेटर करने के लिए। आई एम सॉरी, मेरे घर के पास में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो कंटिन्यूसली आपको आवाज़ें फील हो रही होंगी। इसके बाद मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर ले रही हूँ और इसे एक ट्राइंगल शेप में अंडर माय आई, अपने फोरहेड पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स बो पे, चिन पे और थोड़ा सा वहाँ जहाँ मेरा कॉन्टोर एंड होगा अप्लाई करके अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की फिनिश बहुत ही अच्छी आती है, बहुत कन्वीनियंट रहता है अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करते हैं चीज़ों को, और आपका बेस भी काफ़ी फ्लॉलेस लगता है, जो कि आपका एक्चुअल पर्सपेक्टिव होता है। एक फ्लॉलेस बेस डे टू डे लाइफ में आपको काफ़ी हेल्प करता है प्रेजेंटेबल लगने में। इसके बाद मैं एल ए गर्ल का लूज पाउडर ले रही हूँ और इससे उन एरियाज़ को जिन पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था सेट कर रही हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसे अपने ब्रश से ब्लेंड भी करूँगी। सो यहाँ आप देख रहे हैं मैं इसे डस्ट कर रही हूँ अपने ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, क्योंकि माय पर्सपेक्टिव इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें आपस में सीमलेसली ब्लेंड हों। इसके बाद मैं मेकअप ऑब्सेशन का कॉन्टोरिंग क्रीम कॉन्टोर ले रही हूँ और उसे मैं अपने फेस के पैरामीटर्स पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे मैं अपनी जॉ लाइन, अपना नेक, यू नो, चीक, अंडर चीक, नोज, लिप, फोरहेड, हर चीज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ जस्ट स्कल्पटिंग बेसिस पे। और इसके बाद मैं अपना एक नॉर्मल, ये एक यू नो नॉर्मल पाउडर ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं ब्लेंड कर रही हूँ उन क्रीम कॉन्टोरिंग लाइन्स को, क्योंकि ये कॉन्टोर जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट टू ब्लेंड है, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं रियल टेक्निक्स वाला ब्लेंडिंग ब्रश ही लूँ। इसके बाद मैं मेकअप ऑब्सेशन का ही क्रीम पाउडर, सॉरी पाउडर कॉन्टोर शेड ले रही हूँ और उसे उन एरियाज़ को सेट कर रही हूँ जिन एरियाज़ पे मैंने कॉन्टोरिंग क्रीम कॉन्टोरिंग की थी। क्रीम से पाउडर सेटिंग से की हेल्प से आपका मेकअप काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, जिसके बाद उसकी लॉन्जिटिविटी आप कुछ ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैंने अपना रोज़ वाटर लिया है और उसे अपने फेस पे स्प्रिट्स किया और उसके बाद में मैं अपने डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे प्रेस कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर। जस्ट मेक श्योर कर रही हूँ कि हर एक एक चीज़ फ्लॉलेसली एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, सब कुछ। इसके बाद मैं मेकअप ऑब्सेशन का हाइलाइटर ले रही हूँ, ये बेयर लाइट्स है, और इसे मैं अपनी चीक बोन पे ऑप्टिकल बोन पे एक्चुअली इन्वर्टेड सी शेप में अप्लाई कर रही हूँ। और जस्ट देखिए द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस आपका हाइलाइटर लेकर के आता है आपके फेस पे। काफ़ी अच्छी स्कल्पटिंग होती है, हाइलाइटिंग इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। और इसके बाद मैं अपनी नोज़ को, क्यूपिड्स बो को, थोड़ा सा अपनी चिन को हाईलाइट करूँगी और फिर दोबारा अपनी नोज़ को हल्का सा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मुझे हाईलाइटिंग बहुत पसंद है। इसके बाद मैं लैक में एब्सोल्यूट्स का ब्लशर ले रही हूँ और उसे अपने एंगल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। इस ब्लशर की हेल्प से एक्चुअली मैं अपने कॉन्टोर और अपने हाईलाइटर को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लश काफ़ी पिगमेंटेड है, सो आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए इसे पिक अप या यूज़ और अप्लाई करते वक्त। अब हम लोग स्विच होते हैं आईज़ की तरफ, द फन पार्ट, और मैं बेयर लाइट्स हाइलाइटर ले रही हूँ और उसे अपनी पूरी हाइलाइट्स पे ही अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई एडिशनल आई शेडो नहीं लिया है। इसके बाद में मैं सेम कॉन्टोरिंग शेड जिसे मैंने सेट करने के लिए अपना मेकअप यूज़ किया था उसे अपने आईज़ पर एज अ ट्रांजेक्शन एज वेल एज आउटर वी पे भी अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा आउटर बाहर की तरफ एक्सटेंड करते हुए मैं इसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि मेरी आईज थोड़ी एग्जैजरेटेड लगे।
इसके बाद मैं अजोर शेड ले रही हूँ सेम मेकअप ऑब्सेशन ब्रांड से, और इसे मैं अपने आउटर वी पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि ये आईलाइनर हो। आपको मेक श्योर करना है कि आप इसे बहुत ज़्यादा हैवी एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में ना एक्सटेंड करें। इसके बाद में मैं हाईलाइटर ले रही हूँ ग्रेड लाइट, और उसे एक डेंसली पैक्ड ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। आप देखेंगे कितना डिफरेंस आता है दोनों ही चीज़ों से। इसके बाद में मैं अपना नायका का एम ब्लैक आईलाइनर ले रही हूँ और अपनी आईज़ को लाइन कर रही हूँ, जो कि मेरा सोल पर्सपेक्टिव ये होता है कि बस थिनली लाइन हो। इसके बाद में मैं मेबलिन लैश सेंसेशनल का पुश अप ड्रामा लैशेज मस्कारा ले रही हूँ, और ये मस्कारा काफ़ी ड्रामेटिक है, काफ़ी अच्छी अपलिफ्ट देता है आपकी आईलैशेस को, अच्छे से आपकी आईज़ को ओपन अप कर देता है, जो कि मैं भी इस वक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट ट्राइंग टू ओपन अप माय आईज़। इसके बाद में मैं मेबलिन का विविड एंड स्मूथ आईलाइनर ले रही हूँ इन द शेड ओशन ब्लू, और उससे मैं अपनी आईज़ को पे कोल पेंसिल की तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ब्लैक कोल पेंसिल अच्छी नहीं लगती आईज़ पे, क्योंकि मेरी आईज़ ऑलरेडी छोटी हैं, वो काफ़ी क्लोज्ड लुक देती हैं मेरी आईज़ को। इसके बाद में मैं टाइट लाइन कर रही हूँ अपनी आईज़ को विद द हेल्प ऑफ द एलए गर्ल काजल पेंसिल, सॉरी लाइनर पेंसिल एक्चुअली इट इज़। इसके बाद में मैं नेक्स्ट की लिपस्टिक ले रही हूँ और इसे अपने लिप्स पर एज क्वाइट ऑब्वियस अप्लाई कर रही हूँ, और मैं क्रेडिट नहीं देती थी इस लिपस्टिक को, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं मैंने किया है इस लिपस्टिक को एज सच, मगर ये काफ़ी सटल और काफ़ी ब्यूटिफुल शेड है ऑफ लिपस्टिक। और इसके बाद में मैं बहुत जल्दी से द बाम मीट मैट पैलेट यूज़ कर रही हूँ उसके ब्राउन शेड मैट वुड शेड की हेल्प से अपनी आईब्राउज़ को फिल कर रही हूँ। अपनी आईब्राउज़ को निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, आप देखेंगे कितना डिफरेंस लाती हैं आईब्राउज़ आपके फेस शेप में। इसके बाद मैं फिनिश ऑफ करूँगी कुछ एक्सेसरीज से, जैसे कि मैंने अप्लाई की है ये बिंदी, और इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पहन रही हूँ कुछ इयर रिंग्स। आपने इयर रिंग्स देखे होंगे, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, मैंने अपने ज्वेलरी शॉपिंग हॉल में इन इयर रिंग्स को दिखाया था, और ये है फिनिश लुक यू गाइस। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बाय। I can fly.